हर नाके पर मुस्तैद पुलिस और कब्रिस्तान के पास खड़े होकर कैदी वाहन को निहारते ये लोग, जिसमें सवार है अब्बास अंसारी। वो अब्बास अंसारी जिसके पिता की कभी यूपी के पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन जैसे ही यूपी के सियासत में उलटफेर हुआ तो क्या बाहुबली, क्या माफिया, सबकी हवा निकल गई। जिसकी एक तस्वीर देखने को मिली यूपी के गाजीपुर जनपद में, जहां कई महीनों से जेल में बंद मुख्तार के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को पैरोल खत्म होने के बाद फिर से जेल भेज दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब्बास अंसारी को 3 दिनों के लिए पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए गाजीपुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। अब्बास की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10, 11 और 12 जून को गाजीपुर भेजा था। वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मोहम्मदाबाद स्थित आवाज फाटक और कालीबाग स्थित मुख्तार अंसारी की कब्र पर प्रार्थना सभा में शामिल होता था। इसके लिए गाजीपुर जेल से पुलिस की वैन से अब्बास सुबह फाटक आता था और शाम को वापस जेल जाता था। इस दौरान वो अपने पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा भी पढ़ने जाता था। इस दौरान अब्बास की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। कस्टडी पैरोल खत्म होने पर 13 जून यानी गुरुवार की सुबह 5 बजे अब्बास को कासगंज जेल भेज दिया गया है। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को जो है 10, 11, 12 जो है 3 दिन की पैरोल की अनुमति मिली थी अपने परिवार जनों से मिलने के लिए और अपने पिता मरहूम जो है मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में जो है शामिल होने की अनुमति मिली थी। तो आज अंतिम दिन था और जो है उनको अभी 6:30 बजे जिला जेल गाजीपुर में दाखिल किया गया है। अब यहां से फिर कासगंज जेल ले जाया जाएगा। 3 दिन का जो रहने का जो परिवार में मुलाकात हुई थी, किस से मुलाकात हुई और अब आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आगे की प्रक्रिया ये है कि ईडी के मामले में अब वो वहाँ कासगंज जेल में निरुद्ध है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में उनकी जमानत याचिका दाखिल की गई है और हम लोगों को पूरी न्याय मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि जुलाई में हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में वो रहेंगे। कुछ पता है कब यहाँ से ले जाया जाएगा इनको? देखिए, अब उम्मीद है कि रात्रि में ही 10-11 बजे यहाँ से कासगंज के लिए ले जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है, जिस पर कई मुकदमे दर्जे हैं, जिनमें एक ही लाइसेंस पर एक या अधिक हथियार खरीदना, जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात करना और अधिकारियों को धमकी देने का भी आरोप है। इनमें से कुछ मामलों में अब्बास अंसारी को राहत मिल चुकी है, लेकिन कुछ मामलों में अब्बास को राहत नहीं मिली है और वो कासगंज जेल में बंद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अब्बास अंसारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।